तो हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी बैंगन भाजा का नाम सुना है? वैसे कुछ लोगों ने सुना ज़रूर होगा, क्योंकि बैंगन भाजा हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में काफ़ी लोकप्रिय है। अभी एक बड़ा सा बैंगन हम लेकर आए हैं जो हमें महज 5 रुपए का मिला, क्योंकि आजकल बैंगन सस्ते हो रहे हैं। तो बहुत जगह इसको कहा जाता है बैंगन की चाप, और कुसुम जी आज वही बैंगन की चाप बनाने जा रही हैं और मैंने खाई है, बहुत बेहतरीन लगती है टेस्ट में। और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरी रेसिपी देखनी चाहिए, क्योंकि दाल चावल के साथ आप इसको भी ले सकते हैं और खाने में भाई साहब मज़ा आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसके पीस चॉप करने होते हैं। तो बैंगन भाजा के अब हमें मसाला तैयार करना होगा। ये क्या है जी? ये पिसी लाल मिर्च है साहब, और इसके साथ साथ इसमें हम मिलाते हैं नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक, जिसको जैसा खाना हो। वैसे मशवरा तो यही देते हैं लोग कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप लोग भी ज़्यादा नमक ना खाएं। अब ये क्या चीज़ है? काली मिर्च का पाउडर। ये काली मिर्च का पाउडर है जी, ये काला नमक, और ये सारे मसाले इस तरीके से मिक्स करके तब ये बैंगन पर जो हमने स्लाइसिस बैंगन के काटे थे। अभी एक और है, ये क्या है? मीट मसाला। मीट मसाला, ओहो, तभी कुछ लोग इसे बैंगन की चाप बोलते हैं, क्योंकि चाप जो शब्द है वो मीट वाले आइटम से डिराइव्ड है। वैसे सोया चाप भी होती हैं जो कि टेस्टी होती हैं अगर अच्छी जगह बनी हो तो। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। चलिए जी, तैयार करते हैं बैंगन भाजा। ये देखिए जी, आपको इस तरीके से मसाला फैला लेना है। मसाला लगने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, आपको इस तरह से रखना है। फिर 10 मिनट बाद हम इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, जिसे अंग्रेजी में स्टिर फ्राई कहते हैं। तो गैस पर पैन रख दिया है, अब इसमें थोड़ा तेल ऐड करते हैं। और चूंकि हमने इस पैन में अभी दाल छौंकी थी, तो ये पहले ही ऑयली आपको नज़र आ रहा होगा। और चूंकि गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही पैन गर्म है, तब ऐसे करके हम एक एक स्लाइस बैंगन भाजा इसमें रख देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, इनको पलट लेते हैं। और इसको आपको कम से कम 5 मिनट तक बार बार पलट कर सेकना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। और जब ये बिल्कुल गलने लगे, तब समझिए कि आपका बैंगन तैयार हो गया है, पक गया है, और बैंगन भाजा खाने के लिए तैयार है। तो फाइनली हमारा बैंगन भाजा तैयार है। अब इनको उतार लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब पक जाता है पूरी तरीके से, ये कैसा दिखता है। ये देखिए साहब, ऐसा दिखता है, और बहुत यूनिक दिखता है, बहुत टेस्टी दिखता है। मज़ा आ जाएगा इसे खाने में आपको। दाल चावल के साथ खाइए, खिचड़ी के साथ भी खा लीजिए, आप किसी ग्रेवी वाली सब्जी में इसको साथ, इसको ग्रेवी में भी पका सकते हैं ना। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर इस तरह की रेसिपीज़, जो यूनिक रेसिपीज़ हैं, वो हम पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो लास्ट लोट भी हमारा तैयार हो गया है। यहाँ देखिए, प्लेट में बैंगन भाजा हमारा बनकर तैयार है, यानी कि आप दाल चावल के साथ इसे खा सकते हैं। थोड़ा रख कर खाइए तो भी कोई बात नहीं, और हाथ के हाथ गर्मा गर्म खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैंगन भाजा आपको बुरा नहीं लगेगा, और बनाने में आसान, एकदम आसान। मैंने ये बिहार के सीमांचल एरिया में पहली दफ़ा खाया था, और बाद में मुझे पता चला कि
ये असम और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है।